सो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ई बेस बांसुरी का जो ट्यूनिंग तो बाद में करेंगे, अभी तो छेद करेंगे कैसे 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 करना है। तो ये ई बेस बांसुरी मेकिंग प्रोसेस टू पार्ट टू का वीडियो है, क्योंकि ये तीन पार्ट में बनेगा और वीडियो अगर तीन पार्ट में नहीं होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल में, और किस प्रकार से छेद करना है वो हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये आपको बहुत नॉलेज देगा जो कि ई बेस बांसुरी को छेद करना है। पहले जो कि है हम लोग जो कि अलॉयस करते हैं, जो जिसमें हम हवा भरते हैं, ब्लोइंग होल जिसको माउथ होल भी बोलते हैं, तो इसको पहले हम छेद करते हैं और बहुत ही स्लो और धीरे से करना है। इसे हमने तो इसमें अलग अलग रॉड को हीट किया जो आयरन का रॉड है, तो माउथ होल को ऐसे छेद किया, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे का जो होल है फास्ट होल फिंगरिंग होल का जो कि माँ का होल है, इस प्रकार से करते हैं। और आपको रॉड गर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर फट जाएगा आप प्रेशर करेंगे तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, लेकिन आपका रॉड गर्म होगा तो मतलब कि ऐसे ही वो छेद हो जाएगा। तो इसके वजह से आप पहले बहुत बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, और छोटा से करो, 10 mm के आयरन रॉड से आप इसको होल्ड कर सकते हो। और मेरे पास 10 mm 12 mm से मैं करता हूँ, तो आपका हिसाब से करो। लेकिन मैंने जो मेज़रमेंट आपको बताया वही मेज़रमेंट मिडिल को रखते हुए ये आयरन का रॉड जो गर्म किया हुआ है इसको आप यूज़ कीजिए। तो इसी प्रकार से हमने लगभग 4 जो फिंगरिंग होल है उसको करने के बाद ये 5 नंबर है, 5 नंबर का। तो अभी इस प्रकार से थोड़ा डाल के इसको राउंड करना पड़ता है, क्योंकि उसका राउंड मतलब अंदर से थोड़ा वो पोर्शन थोड़ा वो जल के ये होते हैं, और बहुत ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, नहीं तो फिर अपोजिट साइड में टच हो जाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करना। देखिए अभी बहुत गर्म होने से ये आराम से बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये राउंड करने के कारण है जो कि आपका फिंगर होल जो कि पूरा राउंड बने। तो इस प्रकार से अभी आप एक कपड़े से उसको पूरा ऐसे क्लीन कर सकते हो घिस के, और अंदर क्लीन करने के लिए मैंने ऑलरेडी बनाया था एक वीडियो, वो आप एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर कपड़े बांध के कर सकते हो क्लीन। तो ऐसे रख दिया हमने। और भी एक चीज़ है दोस्तों जो कि पा का होल ट्यून करने के लिए और एक होल करना पड़ता है, जो कि हमने दिखाया था, आप ये भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही छोटा सा करना चाहिए, जो कि आपका माने 4 mm 5 mm का हो सके। तो इस प्रकार से हमने किया, शायद अच्छा लगा आपका वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इस बांसुरी का ट्यूनिंग कैसे करेंगे उसके बारे में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देखिए। थैंक यू।